मैं हूं मीरसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैलकटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन सेमेस्टर 6 पेपर CC14। और जो इसमें पहला पोएम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो पहला पोएम है जो 2024 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो पोएम है द वॉइस ऑफ द माउंटेन। उसको स्टार लगा ले और इस पोएम से इस बार क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द वॉइस ऑफ माउंटेन। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस पोएम से वो ये है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द यूज ऑफ लोकेशन इन द वॉइस ऑफ माउंटेन। और इस क्वेश्चन को और करके भी दिया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द माउंटेन एज ए रिकरिंग सिंबल और लेफ्ट मोटिव इन द पोएम द वॉइस ऑफ माउंटेन। तो ये मैंने आपको जो दो क्वेश्चन बताए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो एक इस पॉइंट से एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पॉइम द वॉइस ऑफ माउंटेन। और CC14 से जो हमारा दूसरा पॉइम है वो है, टू नाइट आई कैन राइट। और इस पॉइंट से जो पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार भी लगा सकते हैं आप, डिस्कस टू नाइट आई कैन राइट एज ए कन्फेक्शनल पोएम। और इस पोएम को और करके दिया जा सकता है कि डिस्कस टू नाइट आई कैन राइट एज ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सो कन्फेक्शनल और ऑटोबायोग्राफिकल ऑलमोस्ट सेम ही होगा आंसर। और इस पोएम से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम टू नाइट आई कैन राइट बाई पैब्लो नेरुदा। और इसी पोएम से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, टू नाइट आई कैन राइट इज द पोएम अबाउट द पावर ऑफ पोएट्री डिस्कस। इस तरह टू नाइट आई कैन राइट से मैंने आपको तीन क्वेश्चन सजेस्ट। CC14 से जो हमारा तीसरा पोएम है वो पोएम है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। और इस पोएम से जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन है, डिस्कस डेरिक वॉलकॉट्स पोएम अ फार फ्रॉम अफ्रीका एज ए पोस्ट कॉलोनियल पोएम। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगा लें इस पोएम से। और इस पोएम को और करके इस तरह से भी दिया जा सकता है इस क्वेश्चन को, कि हाउ कैन वी ट्रेस द हॉरिबल पिक्चर ऑफ रेसियल कॉन्फ्लिक्ट इन वॉलकॉट्स पोएम अफार फ्रॉम अफ्रीका। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, यानी एक ही क्वेश्चन को थ्री टाइप्स से दिया जा सकता है एग्जाम में। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, क्रिटिकली एनालाइज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड पोर्ट्रेड इन द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो इस तरह से मैंने आपको इस पोएम से पहले ही क्वेश्चन मैंने दिया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो थ्री टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है। जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं इनका आंसर एक ही होगा। अब इस पॉइंट से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन ये है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय वॉलकॉट। एंड इस पॉइंट से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज वॉलकॉट एग्जामिन द डिलेमा ऑफ मैन इन बिटवीन कल्चर्स इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो इस तरह से इस पॉइंट से मैंने आपको थ्री क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं।
और पहला क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर से जो हमारा नेक्स्ट पोएम है उससे मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा, वो कोई पोएम है रिवॉल्विंग डेज, और उससे मैं आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप ऑफ टाइम मेमोरी एंड प्लेस इन रिवॉल्विंग डेज। तो इस तरह से जो पोएम्स थे CC-14 के, उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। पोएम के बाद CC-14 से जो और दो नॉवेल्स रह गए हैं उससे मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। और पहला नॉवेल जो है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट, और इससे जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार लगाएं आप। क्वेश्चन है, कंसीडर चिनुआ अचेबेज थिंग्स फॉल अपार्ट एज ए पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। और इस क्वेश्चन को और करके भी दिया जा सकता है, डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज ए नॉवल अबाउट डीकोलोनाइजेशन। और ये दो क्वेश्चन जो हैं इनके जो आंसर होंगे ऑलमोस्ट सेम होंगे, आप इसको ठीक से प्रिपेयर करें। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको ये सजेशन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसके अगर आप आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं बहुत ही एक रिजनेबल प्राइस में इन तमाम सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ बताता चलूं, आंसर बहुत ही ऑथेंटिक दूंगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा, एक बहुत ही अच्छा वेल कंपोज आंसर मैं आपको दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप एक डेमो आंसर भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और इस नॉवल से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ नॉवल अबाउट क्लैश ऑफ कल्चर डिस्कस। और ये भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऊपर वाले जो दो क्वेश्चन उनसे ऑलमोस्ट सेम ही होगा। और इस नॉवल से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ ओकोंगो, कैरेक्टर ऑफ ओकोंगो। और इस क्वेश्चन को और ऐसे करके दिया सकता है, इज ओकोंगो ए ट्रेजिक हीरो इन थिंग्स फॉल अपार्ट। इस तरह हमारा जो है पहला नॉवल से मैंने आपको तीन क्वेश्चन आपको सजेस्ट किए हैं। चलिए अपने नेक्स्ट नॉवल है वो है क्रॉनिकल ऑफ अदेत फोटोल्ड, और इससे जो पहला क्वेश्चन है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टार लगाएंगे इसको आप, क्रिटिकली एनालाइज क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोटोल्ड एज अ वर्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। और इस क्वेश्चन को और करके ऐसे आप दिया जा सकता है, क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोटोल्ड एज अ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। तो हमारा नेक्स्ट इस नॉवल से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, थीम ऑफ ऑनर एंड शेम इज द सेंट्रल टू द क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोटोल्ड, डिस्कस विद द टेक्सुअल्स एग्जाम्पल्स। और इस नॉवल से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोटोल्ड। और इसी नॉवल से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ सेंटियागो नासार और एंजिला विकारियो। ये दो कैरेक्टर हैं, सेंटियागो नासार एंजिला विकारियो, इन दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर चांस है कि वो आपका एग्जाम में आ जाए। और इससे जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि एनालाइज हाउ जेंडर एंड द क्लास ऑपरेट इन द सोसाइटी डिलिनेटेड इन क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोटोल। इस तरह से CC-14 के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और मैं फिर बताता चलूं कि अगर आपको इस जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको अगर ज़रूरत है तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, और आपको PDF फॉर्म में ये बहुत रिजनेबल एक प्राइस में आपको ये सारे आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप
मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड लक।